इतना शोर क्यों मचाया हुआ? इनसे पूछो, इतनी रात को टीवी फुल वॉल्यूम पे करके देख रही है। अरे ऐसा करता है कोई? मेरी मर्जी। खुल जा सिम सिम। अब देखो आलिया क्या करती हूँ मैं। और जो बोल रही थी तुम्हारी है, आलिया ही बोल रही थी। आप टीवी फुल वॉल्यूम। आलिया माफ कर दीजिए, इसकी गलती। चलो गुड नाइट। चलो अभी तो तारा रूम में होगी। आलिया एक्सक्यूज मी। जी तुम्हारे पास 5 मिनट होंगे? 10 मिनट से 5-5 मिनट मांग रही हैं आप। चाहिए क्या आपको? ठीक है तो जाओ, जाके मेरे लिए थोड़ा सा पॉपकॉर्न बनाओ। जाओ। ये क्या सिनेमा हॉल हो रखा है? नहीं नहीं, ये सिनेमा हॉल थोड़ी था। सिनेमा हॉल में तो 300 रुपए का पॉपकॉर्न मिलता है। मुझे फ्री का चाहिए। हाँ, फ्री का ही समझ के आपकी बेबी कॉर्न हमारा सारा पॉपकॉर्न खा चुकी है। रोहित मेरे आर्टिकल में मेरा नाम दे सकते हो। गुड नाइट। What? पक्का? पक्का। जो होगा देखा जाएगा। सोच लो एक बार। Are you sure? कम जी। अगर पॉपकॉर्न नहीं है तो कुछ और दे दो ना। मैं एक काम करता हूँ, आपको चिप्स दे देता हूँ। हाँ, बंसी वाले मेरे साथ है, वो सब संभालने के। थैंक यू। गुड नाइट। ओके देन। ये अब सब कुछ डिलीट भी तो करना होगा क्योंकि आलिया को कल सुबह के पहले कुछ भी पता नहीं चला। गॉड बच गई। चलो अब निकल लेती हूँ यहाँ से। क्या बात है, सुबह से बहुत ही बिजी हो, टाइम ही नहीं है तुम्हारे पास। हाँ वो मुझे लिखना था ना। लिखना? क्या लिखना था? कुछ नहीं, कुछ नहीं लिखना था। वो अभी तो तुम कह रही थी लिखना था, आप कह रही कुछ नहीं लिखना। वो पोएम लिखनी थी मुझे तुम्हारे लिए। सरप्राइज देना था तुम्हें। सरप्राइज? तो ये कहीं वो वाली पोएम तो नहीं जो तुम पहले कोयल बन के सुनाया करती थी? हाँ, बस वही वही सेम। तो अच्छा है ना, आओ सुनाओ ना मुझे। सुनाओ प्लीज। इतनी रात को मुशायरा फरमाएंगे? रात के 11 बज रहे हैं आलोक। मुझे सोना है, तुम्हें सोना है, आंटी को चिप्स चाहिए। ठीक है मैं जा रही हूँ, गुड नाइट। अरे लेकिन आलिया अभी भी कुछ छुपा रही है। आ जाते हैं बस बकवासें करने। अच्छा अब तक कोई रिप्लाई नहीं आया है। चलो गुड नाइट आलिया। मुनाफे और मजबूरी के बीच अधर में लटका बच्चों का भविष्य। अरे यही तो ढूंढ रहा था। कहाँ देखा, कहाँ देखा? ये हाँ पढ़। हाँ ये लो। क्या हुआ, पढ़ लिया? अरे तब मुझे कौन सुनाएगा, पढ़। अच्छा हाँ चश्मा नहीं है। कोरोना काल में जब पूरी दुनिया पटरी पर आने की कोशिश कर रही है तब बच्चों की पढ़ाई पे ये संकट कैसा। अरे यही तो ढूंढ रहा था, यही तो चाहिए था। वेरी गुड सर, ये तो आलिया जी ने लिखा है। क्या बकवास कर रहा है? तुझे कैसे पता? अरे नाम छपा इधर। अरे नाम ही तो गुमनाम रखना था। क्यों गुमनाम रखना था? अरे जो नहीं छपना था वो छप गया। जे जल है यहाँ पे। एक मिनट, आज का पेपर आ गया तो ना? मुझे तो खबर पढ़ने दो। तुम तो ऐसे करो जैसे लॉटरी निकली है। नहीं, वो रेसिपी, मुझे आज की रेसिपी देखनी है दो ना। अच्छा, रेसिपी देखनी है या पोएम जो कल तुम खुद लिख रही थी आज अखबार में छपी है? एक मिनट, तुम्हें कैसे पता कि मैंने लिखा है? मुझे छोड़ो, वो बिहार में बैठे नंदन को भी पता कि तुमने लिखी है। ये देखो तुम्हारा नाम जो लिखा है इस पे। नाम लिखा है? तुम लोग मुझे ना एक आर्टिकल लिख के दे दो, तुम्हारी बात भी लोगों तक पहुंच जाएगी और तुम्हारा नाम पब्लिक भी नहीं होगा। आलोक, आई एम रियली प्राउड ऑफ यू। सोशल डिस्टेंसिंग ना होती ना तो अभी घोड़ा बनकर पूरी आगरा में घुमाता हूँ। अरे क्या कर रही हो, इतना अच्छा तो लिखा नहीं, शौक क्यों? मुझे रोहित से मिलना होगा। एक मिनट, रोहित से क्यों मिलना है? क्योंकि इसमें मेरा नाम नहीं छपना था, सीक्रेट रखना था इसको, इसीलिए तो मैंने तुम्हें नहीं बताया कि मैं रोहित से मिलने गई थी, ताकि मुझे इस आर्टिकल के बारे में तुम्हें ना बताना पड़े। हो, इसलिए तुमने ये बात छुपाई? मैं इतनी टेंशन में हूँ और तुम हंस रहे हो। अच्छा सॉरी, अब नहीं हंसूंगा, सीरियस हूँ। बताओ अब क्या करना है? वही तो नहीं पता, पहले तो ये पता लगाना होगा कि ये हुआ कैसे। हे बंसी वाले, ये रोहित के पल्ले नहीं पड़ता का। जब उसको मना किया था कि नाम नहीं छापना है तो उसने क्यों नाम छपवा दिया, वो भी इतना बड़ा बड़ा। मुनाफे और मजबूरी के बीच मझधार में लटका बच्चों का भविष्य। आलिया परिहार, ज्ञान सरोवर स्कूल। दूर से दिखाई दे रहा है मुझे। वो आ रहा है ना, वो बताएगा। ये देखो। अरे वो ना सॉरी बोल के निकल जाएगा, लेकिन सौदामिनी मैम सॉरी से नहीं मानेंगी। सुबह की चाय के साथ ना उन्होंने न्यूज देख भी ली होगी। क्या डरा रही है? चुप कर। मैम ये देखिए कितनी बुराई लिखी है इसमें हमारे स्कूल की। रीड इट। मुझसे तो नहीं पढ़ा जाएगा। Really? Yeah. तुम्हारे चश्मों का नंबर बढ़ गया है? Mom, read it, तारा। मैम सीरियसली, मतलब I can't read this, but for you I can try. आपके लिए तो मैं ये करूंगी। आपको भी तो पता चलना चाहिए ना कि क्या चल रहा है आपके पीठ पीछे। मुनाफे और मजबूरी के बीच मझधार में लटका बच्चों का भविष्य। ए, where is मझधार? कौन सी सिटी है ये? हम लोग तो आगरा में है ना। Mom, what are you talking? Can we proceed? Yeah, let me continue. कोरोना काल में जब सारी दुनिया पटरी पे आने की कोशिश में है तो बच्चों की पढ़ाई पे ये संकट क्यों? स्कूल की जिद बड़ी है या बच्चों की शिक्षा? Enough. No, मैम एक और लाइन है और बहुत इंपॉर्टेंट है, यू शुड लिसन टू दिस। आखिर बढ़ती फीस का क्या करें? आई कांट बिलीव दिस। नहीं 8 बजे स्पीच लाइव हो जाएगी। हाँ कर देना। ओके बाय। और मित्रों क्या हाल है? कुछ ब्रेकफास्ट खिला दो यार। हाँ, तुम्हारे लिए 5 स्टार होटल में टेबल बुक कराई है मैंने। अच्छा, मैं आपके लिए चाय पीएंगे आप? हाँ चाय चलेगी। हाँ। अच्छा तुम, कोई चाय वाय नहीं मिलेगी, उठो तुम। अरे क्या हो गया? क्या है मेरे आर्टिकल में, ये क्या नाम गया है? आले के आगे भट्ट लग गया क्या? तुमने भट्ट लिखा होता ना तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन तुमने तो इसका नाम ही छाप दिया। अरे तो मैंने तो एज पर रिक्वेस्ट किया है ना, जो बोला था वही किया है। कौन सी रिक्वेस्ट? मैंने कोई रिक्वेस्ट नहीं किया। क्या रिक्वेस्ट नहीं करी? मैसेज नहीं किया मुझे क्या? ये देखो 11 बजे का मैसेज है कि मेरा नाम छाप देना, जो होगा देखी जाएगी। ये देखो ये लो। मिनी, वो ना आलिया तुमसे 2-2 हाथ कर गई और तुम हाथ में कैपेचिनो लेके बैठी हो। मैम ये तो मतलब डायरेक्ट अटैक है आपके बिजनेस पे, ट्रस्ट मी। दिस इज टू मच। दिस इज नॉट टू, दिस इज 3, 4, 5, 6 मच। तुम आंखें रोल करो और लोग तुम्हें ट्रोल करेंगे। तुमने कभी साउथ दिल्ली के बारे में सोचा? क्या रेपुटेशन रहेगी तुम्हारी उधर? दुनिया क्या कहेगी? साउथ दिल्ली वाले क्या कहेंगे? तो उनको कौन सा मुंह दिखाएगी? Only money doesn't matter. Even your mood matters, Mimi. Hey, Simi. अब और मॉम, इतनी गलतियां करने के बाद कौन माफ करेगा आलिया को, है ना? हाय हाय, नंबर तो मेरा ही है। तूने फिर से लगान देख ली? जोश जोश में क्या लिख दिया है तूने? मैंने नहीं लिखा ये। अरे मैंने इसे बहुत बार कहा, बहुत बार समझाया है कि रात में ऐसे उठ-उठ के मैसेजेस चेक मत किया कर। तूने नींद में मैसेज लिख दिया? मैंने नहीं लिखा। हाय अल्लाह, मर्चेंट। लोगों को नींद में चलने की बीमारी होती है। मेरी आलिया को नींद में मैसेज करने की बीमारी हो गई। तू चुप रहेगी। मैं कह रही हूँ मैंने नहीं लिखा। अरे तो क्या मैंने किया है? मैंने आर्टिकल लिखा, फिर मैंने रोहित को ईमेल कर दिया और उसके बाद तुझे फोन रख के सो जाना था। अरे मैं वही करने गई थी, मैं लेट ही रही थी कि तब तक बाहर से जोर-जोर से आवाजें आने लगी। फिर क्या हुआ? फिर मैं गई चेक करने के लिए तो पता चला सिमरन आंटी फुल वॉल्यूम पे टीवी देख रही थी और गुड नाइट। आलिया कम हियर। अच्छा सुनो आलिया, तुम्हारे पास 5 मिनट होंगे? लो, याद आ गया इसे कब मैसेज किया था। तू चुप करेगी? क्या हुआ? समझ गई मैं, ये सब तारा का किया धरा है। उसने मुझे अपनी मम्मी के साथ बिजी कर दिया और फिर खुद मेरे रूम में जाके रोहित को मैसेज किया और फिर सारे मैसेजेस डिलीट कर दी तारा ने। लेकिन आलिया, तारा को पता कैसे चला? ये बात तो तूने आलोक को भी ना बताई। यही तो समझ नहीं आ रहा कि तारा को ये सब पता कैसे चला। इतनी इंपॉर्टेंट बात कि आलोक को भी नहीं पता, मतलब 100% कोई अंदर का आदमी इन्वॉल्व है। हो ना हो, कोई अंदर का आदमी है। मर्चेंट जी। नहीं नहीं, मैं क्यों बोलूंगा? मैं नहीं बोलूंगा, मैं थोड़ा ना बोलूंगा। हाँ, पानी पिलाएंगे? मैं तो सिर्फ ये बोल रहा था। पानी? हाँ पानी, मैं लेकर आता हूँ पानी। आप ये रुको तुम। रोहित, ये कोई पानी वानी पीने का टाइम नहीं है। अभी तो ये सोचो कि आलिया सौदामिनी मैम को जवाब क्या देगी। आलिया, हम सबकी नौकरी तो गई। तारा, तुझे पता है मेरी फ्रेंड ने कितनी मेहनत की है, कितनी स्ट्रगल की है इसने। She started off from scratch. Wow. एक छोटे से बच्चे को ट्यूशन देने से शुरुआत की है इसने। वो बच्चा फेल हुआ पर ये फेल नहीं हुई। लगी रही, सेटिंग करती रही। सेटिंग लगाते ये स्कूल की प्रिंसिपल बन गई है। और आलिया तेरे सारे किए कराए पे ना पानी फेर रही है। मिट्टी पानी। मिस तारा, मिस आलिया को कहिए कि मैं उनसे मिलना चाहती हूँ। अब मैं उस आलिया को बताऊंगी सौदामिनी साहू क्या चीज है। समझ में नहीं आ रहा यार, समझ में नहीं आ रहा है ये हो क्या रहा है। आलिया जी का नाम छपा कैसे? बहु सत्संगी, बहु भदौरिया, चल घर चलते हैं, सामान पैक कर लेते हैं। चल रुक, इधर क्या? 20 रुपया दे के रिक्शा में आए, पूरी बात मालूम करके जाएंगे। बाबू सत्संगी, प्रिंसिपल मैम स्नाइपर बन के घूम रही है। वो क्या होता है? रे निशानची, सीधा माथे पे गोली दागेंगी। क्या हुआ? प्रिंसिपल मैम से बात हुई कुछ? अरे उनका नाम मत लीजिए आलिया जी, हम तो खुद उनसे छुप छुप के घूम रहे हैं। पर ये बताइए आपका नाम कैसे छप गया? वो बहुत लंबी कहानी है। सुनाइए ना वो लंबी कहानी, क्योंकि अब तो हमारे पास ड्यूटी बची नहीं है, अब तो टाइम ही टाइम है। सुनाइए। सुबह में मैं कैंटीन में बैठा था तो वो लालटेन आके बोलता है आप कुछ कर नहीं रहे ना तो बेलिए ना, पूरी बेलिए ना। देखो ये लालटेन को भी पता है किससे क्या करवाना है, लेकिन ये मैडम को पता नहीं कब समझ में आएगा। ये क्या बात है। आलिया आलिया तुम घबराओ मत, मैं प्रिंसिपल मैम से बात करूंगा। चलो। नहीं आलोक, ये सिर्फ मेरी जंग है, इसे मैं अकेली ही लड़ूंगी। प्रिंसिपल मैम से मैं खुद बात करूंगी। May I come in, मैम? कैसी हैं आप? मैं आपको कितना मिस कर रही थी। अरे आइए आइए। इनफैक्ट मुझे तो लगता है ना कि हमें किसी दिन डिनर पे मिलना चाहिए। क्या खाएंगी आप, मशरूम या पनीर? अरे हेजिटेट क्यों कर रही हैं? अरे बताइए ना, मशरूम या पनीर? पनीर? मशरूम इट इज। ठीक है, मशरूम मसाला बन जाएगा आपके लिए। सो मिसेस भाटिया, मिलते हैं फिर मंडे नाइट डिनर के लिए। I am already looking forward. Miss Alia, क्या है? What is this? मैम, मैंने आपको कहा था ना कि मेरी मर्जी के खिलाफ आप कुछ भी नहीं करेंगे, तो फिर ये क्या है? What is this in the newspaper? मैम, इस आर्टिकल को छपाकर आप स्कूल की बदनामी कराना चाहती थी? मेरे इमेज के साथ खेल रही थी आप। क्या लगा आपको? हाँ, आप ये कर पाएंगी? Let me tell you, image is भरोसा, भरोसा is customer, customer is money, and money is what matters for Soudamini. नहीं मैम। What नहीं मैम? Of course it matters. It's all about money. Sorry मैम, मतलब मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। बात सॉरी से बहुत आगे बढ़ चुकी है मिस आलिया। मैं आपको इसी वक्त स्कूल से निकालती हूं, इसी वक्त। और आपके साथ हिंदी मीडियम के सारे टीचर्स को भी निकालती हूं। और जाहिर सी बात है, अगर हिंदी मीडियम के टीचर्स जाएंगे तो हिंदी मीडियम की ब्रांच भी बंद होगी। गेट दैट? नहीं मैम, प्लीज ऐसा मत कीजिएगा मैम, प्लीज नहीं। एक मिनट भी और अगर आपने आर्ग्यूमेंट करके मेरा टाइम वेस्ट किया ना, तो आई विल थ्रो यू आउट राइट नाउ। लीव। मैम लेकिन ये आर्टिकल सिर्फ मैंने लिखा है, इसमें बाकी टीचर्स का कोई हाथ नहीं है। गलती मेरी है तो सजा भी सिर्फ मुझे मिलनी चाहिए ना मैम। अब मुझे स्कूल से निकालिए, प्लीज बाकी टीचर्स को मत निकालिए। मेरे जाने के बाद वो लोग हिंदी मीडियम को अच्छे से संभाल लेंगे, बच्चों का नुकसान भी नहीं होगा। मैम प्लीज, मैं आज ही स्कूल से चली जाऊंगी, पर आप प्लीज मेरी वजह से बाकी टीचर्स को कुछ मत करिएगा प्लीज। ठीक है, अगर आप इतनी रिक्वेस्ट कर रही हैं तो मैं आपकी रिक्वेस्ट मान लेती हूँ, लेकिन एक शर्त है। आप इस स्कूल की प्रीमाइसेस में आज के बाद कभी नहीं आएंगी। और आप ये टीचर्स कॉलोनी भी छोड़ के जाएंगी विथ इमीडिएट इफेक्ट। यू मे लीव। यस मैम। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.